जैसा कि सभी को पता है कि आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत पर एक मैच का बैन लगाया गया था और इस एक मैच के बैन के चलते दिल्ली की टीम अब 2024 के आईपीएल के प्लेऑफ से लगभग बाहर हो गई है। ऋषभ पंत पर लगातार 3 मैचों में स्लो ओवर फेंकने के चलते एक मैच का बैन लगाया गया था, जिसके चलते ऋषभ पंत आरसीबी खिलाफ होने वाला महत्वपूर्ण मैच में एक मैच का बैन था। ऋषभ पंत की जगह आरसीबी खिलाफ इस मैच में अक्षर पटेल ने कप्तानी निभाई। टॉस के बाद जब अक्षर पटेल से ऋषभ पंत के बारे में पूछा गया तो अक्षर पटेल का साफ कहना है कि ऋषभ पंत एक मैच के चलते बहुत गुस्सा और खे और ऋषभ पंत का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि आरसीबी खिलाफ दिल्ली का यह मैच बहुत ही महत्वपूर्ण मैच था और अब दिल्ली की टीम यह मैच हारती लगभग प्लेऑफ से बाहर हो गई है। आरसीबी की टीम ने दिल्ली की टीम को यह मैच 47 रन से हराया और दिल्ली की टीम का यह मैच हारने की सबसे बड़ी वजह रही ऋषभ पंत का बैन। अगर ऋषभ पंत इस मैच से बैन नहीं होते तो ऋषभ पंत की कप्तानी और साथ में मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत की बैटिंग के चलते दिल्ली की टीम यह मैच आसानी से जीत सकती थी। आरसीबी खिलाफ मैच हारते ही दिल्ली की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म से हो गई और अब दिल्ली बचते हुए 2 मैच जीते या ना जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ऋषभ पंत भी दिल्ली के लिए अगले आने वाले कुछ मैच खेले या न खेले इससे भी कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ऋषभ पंत बचे हुए 2 मुकाबले नहीं खेलते हैं तो भी दिल्ली टीम को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि दिल्ली की टीम पहले ही आईपीएल के प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है और आरसीबी की टीम ने यह मैच जीते ही प्लेऑफ के दरवाजे खटखटा लिए हैं। अब आरसीबी का अंतिम मुकाबला चेन्नई के साथ होने वाला है। अगर आरसीबी की टीम चेन्नई को 18 रन से पहले हरा देती है तो आरसीबी की टीम प्लेऑफ में लगभग पहुंच सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।